नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। कांग्रेस का झटका, मनोहर पर्रिकर बने गोवा के मुख्यमंत्री। उच्चतम न्यायालय ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता चंद्रकांत कानवेकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्र सरकार की ओर से हरीश सालवे की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह पर्रिकर के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक नहीं लगाएगी। न्यायालय ने गोवा विधानसभा में 16 मार्च को 11 बजे शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 15 मार्च तक शक्ति परीक्षण से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी करने का भी निर्देश दिया। करीब 1.25 घंटे तक चली बहस पर विचार करने के बाद न्यायालय ने कहा कि वह शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। शीर्ष अदालत ने याचिका का यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि इस याचिका में उठाए गए सभी पहलुओं का एकमात्र जवाब है शक्ति परीक्षण, जिसके लिए 16 मार्च 11 बजे का समय निर्धारित किया जाता है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सिंघवी से कई महत्वपूर्ण सवाल किए। न्यायमूर्ति खेहर ने पूछा कि यदि कांग्रेस के पास बहुमत था तो उसने राज्यपाल के समक्ष जाकर इसका दावा क्यों पेश नहीं किया या राजभवन के बाहर धरना क्यों नहीं दिया। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में उन विधायकों की संख्या का भी जिक्र नहीं किया है जो कांग्रेस के समर्थन में है। यदि आपके पास बहुमत था तो आपने विधायकों के शपथ पत्र क्यों नहीं साथ लाए जिससे आपका बहुमत साबित हो सके। इस पर सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है और वह आज भी शक्ति परीक्षण में शामिल होने को तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया है, जबकि कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना संख्या बल पर निर्भर करता है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा दिल्ली निगमों के चुनाव मतपत्र से कराए जाएं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा सत्ता पर काबिज होने की भाजपा की भूख लोकतंत्र के लिए खतरा। गैंगरेप के आरोपी सपा नेता गायत्री प्रजापति के 3 साथी गिरफ्तार, दोनों बेटे भी हिरासत में। फरवरी 2017 में थोक मुद्रा स्फीति 6.55% बढ़ी। उत्तरी बांग्लादेश में सूफी मुस्लिम नेता की गोली मारकर हत्या। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।